अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एन अदर वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे हेलमेट्स के बारे में, जो कि बड़े एक्सपेंसिव हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है इसकी कंडीशंस लग चुकी हैं। अब चलान वगैरह हो रहे हैं रोड्स पे, तो इसलिए हम लोग आज आपके लिए लेके आए हैं हेलमेट्स की वीडियो। वीडियो पर जाने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं आसफ़ भाई, जो कि हमें हेलमेट के बारे में गाइड करेंगे, कौन सा हेलमेट, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका क्या रेट है, और अगर हम क्वांटिटी में भी उठाते हैं उसके हमें क्या प्राइस वगैरह मिलेगी, तो उसका आपसे भी हमें उसके बारे में गाइड करेंगे। ले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो आसफ़ भाई हमारे साथ आ गए हैं। हम आसफ़ भाई से पूछते हैं कि आसफ़ भाई इसका बारे में हमें रेट वगैरह दें कि क्या रेट है। जी अस्सलाम वालेकुम आसफ़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई जान, हमें ज़रा बताएं कि हेलमेट्स की क्या वैरायटी है, क्या इसमें क्वालिटीज़ हैं और इनके क्या प्राइसेस वगैरह जो आजकल चल रहे हैं, क्योंकि पाबंदी लग चुकी है फैसलाबाद में। मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, बी के ऑटो फैसलाबाद में ही है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो भाई हमें उसके बारे में गाइड करेंगे। जी आसफ़ भाई जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि पहले रेट काफ़ी कम थे ना, क्योंकि पाबंदी लग गई है तो सारी बात रेट थोड़े से बढ़ गए हैं। तो जो सबसे सस्ता हेलमेट है वो स्टार्ट हो रहा है इस टाइम 750 से बेचना। तो पहले मैं चेक करवा देता हूँ आपको, ये चीज़ है, ये 750 का हेलमेट है। आम टीम में से 500 का सेल होता था, अब इसे 750 का हो गया है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी में है, ये उसके लिए जिसने सिर्फ पाबंदी से बचना है ना, चलान वगैरह ना हो, इसमें सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। अलावा पाकिस्तानी मेड, क्योंकि लोकल हेलमेट होते हैं, इनपे कास्ट काफ़ी कम आती है, तो ये हेलमेट आपको मिल जाएगा। ये हेलमेट वैसे 1500 का सेल होता था, आजकल 1800 में सेल हो रहा है। हेलमेट बुरा नहीं है, ठीक है, क्वालिटी के लिहाज से अच्छा चल जाता है। बाकी इसमें काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, यानी कि ये चीज़ अगर आप चेक कर लेते हैं, ये 2000 में आपको मिल जाएगी। ये वाला भी लोकल मेड में ही आता है, तो ये भी 2000 के राउंड ही मिल जाएगा। बाकी जो चाइना का हेलमेट है वो ज़ाहरी बात है डॉलर का रेट काफ़ी बढ़ गया है, तो काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो ये वाला हेलमेट जो चाइनीज़ मेड है, तो ये कम अज़ कम जो शुरू होता है ना, ये 3000 से शुरू होता है, तो उसकी इंक्रीज़ हो जाती है बाद में, 4000 भी 5000 भी इसका रेट चल रहा होता है। तो उसके बाद जो हेलमेट है, ये चीज़ होती है जो स्पोर्ट्स हेलमेट आ जाते हैं, ये चीज़। तो ये जो हेलमेट है ये आजकल शुरू हो रहा है 6500 रुपये से। इसकी पोशिश भी वाशेबल होती है, उतर के सारा हेलमेट पास हो जाता है, डबल ग्लास के साथ ये हेलमेट होता है। तो ये इसका जो सिस्टम रेट चल रहा है वो 6500 रुपये है। बाकी इसमें जो हेलमेट आ रहे हैं जो काफ़ी कॉस्टली हैं, जो कीमत के लिहाज से भी अच्छे हैं और क्वालिटी के लिहाज से भी सारी बात अच्छे हैं, ये जकाई हेलमेट आता है इसमें ना, जो इसमें काफ़ी वैरायटी है, लेकिन जो शुरू होता है वो 13500 से शुरू होता है। तो ये इसमें काफ़ी आर्टिकल भी मिल जाएंगे आपको, आपके सामने लगे हुए हैं। बाकी इसमें इंडियन हेलमेट भी आते हैं, जैसे ये रॉक्स हेलमेट है, रेड कलर में लगा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा 12500 रुपये में। सिर्फ ये 12500 में आपको ये हेलमेट मिल जाएगा, बकायदा ये टेस्ट पास होते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आसफ़ भाई ने हमें बताया कि कुछ चाइनीज़ हेलमेट भी होते हैं जो इंपोर्टेड हेलमेट होते हैं, जो इंपोर्ट ही किए जाते हैं, पाकिस्तान में तैयार नहीं होते, तो हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। आसफ़ भाई ने काफ़ी जो है कि प्राइजेस बता दी हमें, लेकिन फिर भी हम उनसे एक दफ़ा उनके बारे में दोबारा पूछेंगे। जी आसफ़ भाई, हम पहले इस हेलमेट की बात करते हैं, ये जो सर इसकी आप दिखाएँ कस्टमर को, ये जो क्या क्वालिटी है, ये बेसिक तो अनब्रेकेबल बॉडी है, जो बकायदा टेस्ट पास होता है ना सेफ्टी लेवल के लिहाज से। उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेस्ट पास है, कोई इसका कोई प्रूफ देती है कंपनी? इसमें पीछे ये लिखा होता है, ये डॉट प्रूफ। ये कैमरा अगर नजदीक आए तो हम ये दिखाएंगे, ये डॉट प्रूफ होता है, ये टेस्ट पास करने के बाद ये लगती है स्टैंप के, ये बकायदा टेस्ट पास है। वैसे भी इसकी यूट्यूब से वीडियो मिल जाती है आसानी से, किसी भी हेलमेट की जगह आप इम्पोर्टेड लेते हैं तो ये बकायदा टेस्ट पास है हेलमेट ना। तो इसमें काफी ग्राफिक्स वगैरह भी आते हैं, डिजाइनिंग वगैरह। तो इनमें मॉडल का भी फर्क होता है, कुछ मॉडल डिफरेंट आते हैं, एक जैसे कि फ्लिप अप है ये, एक आता है फुल फेस में भी आता है, जो फुल फेस के मुताबिक आता है उसमें भी है। जी फुल फेस में भी मिल जाएगा, फ्लिप अप में भी मिल जाएगा। इसमें डिजाइनिंग के भी फर्क होता है, रेट का भी सारी बात फर्क होता है, मॉडल भी इसमें काफी आते हैं। अब जैसे कि आपने हमें ये मॉडल दिखाया, ये इससे रिलेटेड जिकाई में कोई और मॉडल है जो आप हमें दिखाएंगे, हमें पता होगा जिकाई का ये? जी ये देख सकते हैं आप, इसकी डिजाइनिंग भी काफ़ी फ़र्क है, ये ड्यूल फ्लेम में है, लेकिन ये 12000 रुपये का है, ये सस्ता भी है इसमें, यानी कि सारे इसमें महंगे शुरू हो रहे हैं, 12000 में भी शुरू हो रहा है। जिकाई स्टार्टिंग किधर से स्टार्ट होता है? बेसिक मेरे ख्याल से 12000 से शुरू होता है, ठीक हो गया। इससे नीचे अगर मॉडल कोई नहीं है, प्लस जितना मर्जी आप कर सकते हैं, 18000 तक भी मॉडल इसका अवेलेबल है हमारे पास। और ये जो से आपने हमें पहले बताया रॉक्स ऑस्कर का, ये जो से हैं ये इंडियन हेलमेट है आप बता रहे थे? जी ये तो बेसिक इंडियन हेलमेट है,
लेकिन ये फ्लिप अप नहीं है, ये सिर्फ सेफ्टी के मैनर्स को फॉलो करता है। इसकी जो स्क्रीन है वो रात को लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, बिल्कुल अच्छी स्क्रीन में इसमें डाली गई है। समझे कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आप ये हेलमेट एक दफ़ा ले लेते हैं ना, कोई 10 साल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको चेंज करने की। ये उस लिहाज से ये बनाया गया होता है। ये भी बल्कि डॉट प्रूफ भी है, ये हेलमेट भी डॉट प्रूफ है। ओके ओके। और इसके साथ जो सा वाइट वगैरह एज इट इज में सेम यही चीज़ ही है जी, लेकिन फ्लिप अप में आ जाता है ना, ये फ्लिप अप में है लेकिन सादा है, इसमें डबल ग्लास नहीं है, लेकिन ये सेफ्टी के लिहाज से पूरा अच्छा है। ये तकरीबन आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये में। ये ऑस्कर कंपनी स्टील बर्ड का ही ये ब्रांड है। और ये कुछ मॉडल पीछे आपके मैं देख रहा हूँ कि ये वेक्टर एक कंपनी में नज़र आ रही है, इसके बारे में आप थोड़ा गाइड कर दें कि क्या है। ये जैन का एक हेलमेट नज़र आ रहा है मुझे फ्लिप अप में, एक ये चीज़ है, तो इनके बारे में मुझे बताएं ये कैसे इनकी क्वालिटी और क्या हेलमेट की प्राइस है। ये हेलमेट आप चेक कर सकते हैं, देखें ना सेम चीज़ 13,000 में भी मिल रही है। ये सेम चीज़ है, उसकी कॉपी ये चाइना मेड है, ये यानी कि टेस्ट पास नहीं होता। ये आपको 6,500 में मिल जाएगा ये वाला हेलमेट जी। दोस्तों तो आप देख रहे हैं कि एक जो सा टेस्ट पास आया वो हमें मिल रहा है 12,000 का, 14,000 का, और जो सा प्रूफ नहीं डॉट प्रूफ नहीं है वो हमें मिल रहा है 6 से 7,000 के अंदर। मतलब कि क्वालिटीज़ आपको मिल जाती है मार्केट से, हाई प्राइस में भी मिल जाती है, लो प्राइस में मिल जाती है, वो आपने खुद करना है कि आपने वो कौन सी चीज़ को यूज़ करना है। जी असर भाई, इसमें ऑप्शन बिल्कुल पूरे ही होते हैं, क्योंकि इसकी भी वाशेबल ही है कोशिश, स्क्रीन इसकी भी अच्छी लगी है, लेकिन इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। ये टेस्ट पास नहीं है, चाइना मेड है ना, तो वो कहता टेस्ट पास है, हर चीज़ की ओके है। ये यानी कि उनके लिए जो थोड़ा लोअर बजट में रह के थोड़ा फैंसी चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आते ये भी चाइना के ही हैं कि ये भी इंपोर्ट पाकिस्तान के, पाकिस्तान के बने हुए मेड है? ये मेड इन चाइना इंपोर्ट ही होता है, लेकिन ये चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, ये इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है जकाई वगैरह। ओके, लो जी नेवी दौर आ गया कि ऐसे इंडिया तो माल ला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए सानू, असं इंडिया को देना चाहिए सोते को माल ला रहे हैं। बाय द वे कारोबार अपनी जगह और दुश्मनी आ रही है अपनी जगह। अब बात करें कि हम लोग जैन हेलमेट की, आसो भाई हमें आप जैन हेलमेट के बारे में बताइएगा ज़रा। ये सर उन्होंने थोड़ा सा ना इसको डिफरेंट किया है, क्वालिटी थोड़ी बेहतर की है, लेकिन है ये भी चाइना मेड ही है, तो ये 7,500 में है। थोड़ा फैंसी हेलमेट है, ये लुक के लिहाज से भी फैंसी है, इसकी लुक थोड़ी लग भी रही है, थोड़ा चूहा टाइप सी बनाई है छोटी सी, यानी कि इसको जज करना बहुत मुश्किल है कि ये चाइना का है या ये इंडिया का है। इस क्वालिटी में किया गया है, मिक्स बना दिया, मिक्स बना दिया ताकि थोड़ा जज ना हो। ओके ओके। इसके बाद असल भाई हम बात करेंगे AMD, मैंने देखा ये लगा हुआ आपके सामने आगे, आई थिंक ये AMD ही है। नहीं ये जोन है, ये भी चाइना मेड ही है। ओके ओके, ये भी चाइना मेड ही है। ये चाइना मेड ही है, ये भी क्वालिटी वाइज सेम चीज है कि थोड़ा डिफरेंट है? नहीं क्वालिटी सेम ही है, चाइना की तकरीबन क्वालिटी सबकी सेम ही है, बाकी इसकी बॉडी की शक्ल वगैरह रंग का फर्क है, डिजाइनिंग मॉडल वगैरह का फर्क है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। ये भी 6,500 में मिल जाएगा आपको। 6,500 में स्टार्ट हो रहा है जी। दोस्तों तो जैसे कि आसिफ भाई ने हमें काफी आइटम्स दिखा दी हैं, जिनकी हमें क्वालिटीज भी बता दी उन्होंने, प्राइसेस भी बता दी उसके बारे में। और ये फैसलाबाद की मार्केट का ये हाल है कि अभी तो बाकी पंजाब के हम क्या बात करें, यहाँ पे ही प्राइसेस काफ़ी अप हो चुकी हुई हैं जो कंडीशन इस टाइम चल रही हैं। बाय द वे हेलमेट बिकना है, चलना है, यूज़ करना है, सेफ्टी के लिए ही यूज़ करना है ये। तो बहुत शुक्रिया सर भाई आपका, आपने हमें रिव्यू दिया है इसके बारे में। इसी तरह हमारे चैनल पर हमारे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको हम एक नई वीडियो के साथ। I love this.